नमस्कार। मकर राशि पर बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाना इसलिए आवश्यक हुआ कि इनके दशम भाव, कर्म स्थान, व्यापार स्थान, नौकरी का, पिता का और चारों तरफ से यश और प्रतिष्ठा को जो अर्जित करता है वह स्थान, वह दशम भाव। वहां देखिए कितना सुंदर ग्रह बैठा हुआ है। दशम भाव में केतु और मंगल आपके चतुर्थ और लाभ स्थान का स्वामी होकर अकेला ही आपकी विजय और कीर्ति पताका को फहराता है। और साथ ही बुधादित्य योग बन गया दशम भाव कर्म स्थान में, लेकिन आपके अष्टम भाव जो मृत्यु भाव का स्वामी है सूर्य, वो नीच राशि में है। इसलिए ये अकेला ही ग्रह आपकी मलिनता का साक्षी बना हुआ है, आपको अशांत करता है। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, मन में परेशानी, एंग्जाइटी तथा माता मित्र, मकान, सवारी, पशु तथा प्रॉपर्टी के विवाद उत्पन्न कराने में जाना जाता है राहु। और मंगल की उस पर दृष्टि है, समस्याएं आएंगी और कदम कदम पर आएंगी लेकिन दूर हो जाएंगी। तो ऐसी समस्या आ जाए उससे डरना नहीं चाहिए। उधर आपका जो बृहस्पति ग्रह है ये आपको आत्मबल देता है, सम्मान, प्रतिष्ठा, भूमि भवन के साथ साथ आपके घर में अच्छी अच्छी लग्जरियस सुख की अनुभूति कराने वाले बड़े बड़े अच्छे अच्छे ग्रह आपके पास आपको सुख देने के लिए आ रहे हैं। राजयोग का कारक सबसे अच्छा बुध आपके केंद्र में, लाभ का स्वामी मंगल कर्म स्थान में, और इसके अलावा जब इनका चार की जो चतुर्ग्रही योग बनता है उस जो पंचायत है ग्रहों की उस पर केंद्र में बैठे हुए बृहस्पति की जब दृष्टि होती है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपने आप में एक बहुत बलिष्ठ, मजबूत और पराक्रमी माना जाता है। और जब वो चलता है उसके अंदर एक आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा के भाव मन में चलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी से अपने आप को कमजोर नहीं मानते, क्योंकि सुख सुविधा समृद्धि सब प्रकार के सुख। अब एक और नया अच्छा समाचार, ये समझिए ये आपकी गाड़ी ठीक चला रहे हैं सब ग्रह, सम्मान भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन अधिक खुशी तो अब होगी आपको, जो कि मैं अगली बार बताऊंगा। अगले 7-8-10 दिन के बाद ही आपकी राशि के तीसरे भाव में पराक्रम को कई गुना बढ़ाने वाला राहु आपके पराक्रम भाव में आएगा। देखिए जब तीसरे स्थान में राहु आता है, जो राजा था एक बाली, बाली नाम के राजा की कुंडली में तीसरे स्थान में राहु था और एकादश भाव में शनि था। जब तीसरे, छठे और ग्यारहवें भाव में मंगल, शनि, राहु होते हैं, सर्वारिष्ट निवारणम, यानी कि जब वो किसी को फोन करता है या लड़ाई करता है तो जो सामने वाला है 50% उसका जो आत्मविश्वास है टूट जाता है और इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसीलिए तीसरे त्रिकटे एकादशे राहु, त्रिकटे एकादशे शनि, त्रिकटे एकादशे भाव में सर्वारिष्ट निवारणम, तीसरे भाव में पराक्रम में जब राहु आएगा मकर राशि अपने आप में विशेष चमकती हुई, बहुत ही 440 वोल्ट का चेहरे से इनके फोकस, चमकीला चेहरा व्यक्तित्व में निखार आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है इसी 16 नवंबर को दो ग्रह जो आपको अब राज्य स्थान, कर्म स्थान, पिता के स्थान में बैठ करके सुख दे रहे थे वो डबल पावर के होकर के लाभ स्थान में आएंगे। तो उनकी जो शक्ति है, उनकी जो पावर है दुगनी हो जाएगी, क्योंकि लाभ स्थान में स्वग्रही मंगल होगा और उसके साथ में सूर्य भी होगा।
ये सब चीजें आपको बहुत मजबूत स्थिति में लाएंगी और अगले साल 1 मई के बाद पूरे वर्ष तक आपके पंचम भाव में बृहस्पति आपके ज्ञान बुद्धि विवेक और आपके बच्चों की शादी होंगी, आपके बच्चों की नौकरी में के अलावा आपकी संतान के एजुकेशन की तरक्की होगी। मकर राशि वालों के लिए सन 2024 जितना इस वर्ष इन्होंने स्ट्रगल किया है अगले साल उतना ही सुख प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।